सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 320वां अध्याय। राजा जनक की परीक्षा करने के लिए आई हुई सुलभा का उनके शरीर में प्रवेश करना, राजा जनक का उस पर दोषारोपण करना एवं सुलभा का युक्तियों द्वारा निराकरण करते हुए राजा जनक को अज्ञानी बताना। अलौकिक जो ज्ञान है, अलौकिक जो सन्यास है तथा जो कर्मों का अलौकिक अनुष्ठान है, अर्थात निष्काम भाव से कर्मों का करना है, इन तीन प्रकार की निष्ठाओं को ही मोक्ष वेत्ता विद्वानों ने मोक्ष का उपाय देखा और समझा है। मोक्ष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक श्रेणी के लोग कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन है तथा दूसरे सूक्ष्मदर्शी यति लोक कर्म निष्ठा को ही मुक्ति का उपाय बताते हैं, किंतु उन महात्मा पंच शिखाचार्य ने पूर्वोक्त केवल ज्ञान और केवल कर्म इन दोनों पक्षों का परित्याग करके एक तीसरी निष्ठा बताई है। यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दंभ तथा स्नेह करके उनसे होने वाले लाभ और हानि में सन्यासी भी गृहस्थों के ही तुल्य हैं, अर्थात यम नियम आदि का अभ्यास करने पर गृहस्थ भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं और कामना तथा द्वेष होने पर सन्यासी भी मुक्ति से वंचित हो सकते हैं। सन्यासी त्रिदंड आदि धारण करते हैं और गृहस्थ नरेश, छत्र, चंवर आदि। यदि त्रिदंड धारण करने पर किसी को ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो छत्र आदि धारण करने पर दूसरे को उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं हो सकता? क्योंकि प्रतिबंध का कारण परिग्रह दोनों के लिए समान है। एक त्रिदंड आदि का संग्रह करता है और दूसरा छत्र आदि का। अपने अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए जिस मनुष्य को जिस जिस साधन भूत वस्तु से प्रयोजन होता है, वो सभी अपना अपना काम बनाने के लिए उन उन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में दोष देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रम में चला जाता है, वो भी कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण करता है, अतः उसे भी संग दोष से छुटकारा नहीं मिलता है। किसी का निग्रह और किसी पर अनुग्रह करना ही आधिपत्य कहलाता है। ये जैसे राजा में है वैसे सन्यासी में भी है। इस दृष्टि से जब सन्यासी भी राजाओं के ही समान है तब केवल वो ही मुक्त होते हैं, ऐसा मानने का क्या कारण है? मनुष्य रूप उत्तम शरीर में स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते हुए भी केवल ज्ञान के ही बल से यहां समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी तो ये धारणा है कि गेरुआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुड़ा लेना तथा त्रिदंड और कमंडलु धारण करना, ये सब उत्कृष्ट सन्यास मार्ग का परिचय देने वाले चिन्ह मात्र हैं। इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। यदि इन चिन्हों के रहते हुए भी यहाँ दुख से सर्वथा मोक्ष पाने के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है तो जितने भी चिन्ह धारण किए जाते हैं वो सब निरर्थक हैं। अथवा यदि कहें कि त्रिदंड और गैरिक वस्त्र आदि धारण करने से कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता है, इसलिए सन्यासियों ने उन चिन्हों को धारण करने का विचार किया है, तो छत्र आदि धारण करने में भी इसी सामान्य प्रयोजन की ओर क्यों न दृष्टि रखी जाए? न तो अकिंचनता में मोक्ष है और न किंचनता में बंधन ही है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम तथा राज्य परिग्रह इन बंधन के स्थानों में रहते हुए भी मुझे आप बंधन रहित पद पर प्रतिष्ठित समझें। मैंने मोक्ष रूपी पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए त्याग वैराग्य रूपी तलवार से राज्य और ऐश्वर्य रूपी पाश को तथा स्नेह के आश्रय भूत स्त्री पुत्र आदि के ममत्व रूपी बंधन को काट डाला है। सन्यासिनी, इस प्रकार मैं जीवन मुक्त हूं। आप में योग का प्रभाव देखकर यदि आपके प्रति मेरी आस्था और आदर बुद्धि हो गई है, तथापि मैं आपके इस रूप और सौंदर्य को योग साधना के योग्य नहीं मानता। अतः इस विषय में मैं जो कुछ कहता हूं, मेरे उस वचन को आप सुनिए। सुकुमारता, सौंदर्य, मनोहर शरीर तथा यौवनावस्था, ये सारी वस्तुएं योग के विरुद्ध हैं। फिर भी आप में इन सब गुणों के साथ साथ योग और नियम भी हैं ही, ये कैसे संभव हुआ? यही मेरे मन में संदेह है। ये जो त्रिदंड धारण रूप चिन्ह है, उसके अनुरूप आपकी कोई चेष्टा नहीं है। ये मुक्त है या नहीं,
इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने मेरे शरीर को अभिभूत कर दिया है, उस पर बलात् अधिकार जमा लिया है। मनुष्य योग युक्त होकर भी यदि काम भोग में आसक्त हो जाए तो उसका त्रिदंड धारण करना अनुचित एवं व्यर्थ है। आप अपने इस बर्ताव द्वारा संन्यास आश्रम के नियम की रक्षा नहीं कर रही हैं। यदि अपने स्वरूप को छिपाने के लिए आपने ऐसा किया हो तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए आत्म गोपन आवश्यक नहीं है। आपने स्वभावतः सोच समझ कर मेरे पूर्व शरीर का आश्रय लेने की चेष्टा की है, अतः मेरे पक्ष का आश्रय लेने, मेरे शरीर में प्रवेश करने के कारण आपसे जो व्यक्तिक्रम बन गया है उसे बताता हूं, सुनिए। आपने किस कारण से मेरे राज्य अथवा नगर में प्रवेश किया है अथवा किसके संकेत से आप मेरे हृदय में घुस आई हैं? वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो कन्याएं हैं उन सब में आप प्रमुख हैं। आप ब्राह्मणी हैं और मैं क्षत्रिय हूं, अतः हम दोनों का एकत्र संयोग होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप वर्ण संकर नामक दोष का उत्पादन न कीजिए। आप मोक्ष धर्म के अनुसार बर्ताव करती हैं और मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हूं, अतः आपके द्वारा ये दूसरा आश्रम संकर नामक दोष का उत्पादन किया जा रहा है जो अत्यंत कष्टप्रद है। मैं ये भी नहीं जानता कि आप सगोत्रा हैं या असगोत्रा। इसी प्रकार आप भी मेरे विषय में कुछ नहीं जानती, अतः मुझ सगोत्र में प्रवेश करने के कारण आपके द्वारा तीसरा गोत्र संकर नामक दोष उत्पन्न किया गया है। यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं परदेश में चले गए हैं तो आप पराई स्त्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा अगम्य हैं। ऐसी दशा में आपका ये बर्ताव धर्म संकर नामक चौथा दोष है। आप कार्य साधन की अपेक्षा रखकर अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डालने को उद्यत हो गई हैं। अथवा यदि आप स्वतंत्र हैं तो कभी आपके द्वारा यदि कुछ शास्त्र का श्रवण किया गया हो तो आपने अपने ही दोष से ये सब व्यर्थ कर दिया है। आपका जो दोष छिपा हुआ था उसे आपने स्वयं ही प्रकाशित कर दिया, इससे आप दुष्टा जान पड़ती हैं। आपकी दुष्टता का ये और चौथा चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो हृदय की प्रीति पर आघात करने वाला है। आप अपनी विजय चाहती हैं। आपने केवल मुझे ही जीतने की इच्छा नहीं की है अपितु ये जो मेरी सारी सभा बैठी है इसे भी जीतना चाहती हैं। आप मेरे पक्ष की पराजय और अपने पक्ष की विजय के लिए इन माननीय सभासदों पर भी बारंबार अपनी दृष्टि फेंक रही हैं। आप अपनी असहिष्णुता जनित योग समृद्धि के मोह से मोहित हो विष और अमृत को एक करने के समान काम के साथ योग का संबंध जोड़ रही हैं। स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को चाहते हों उस समय उन्हें जो संयोग सुख का लाभ होता है वो अमृत के समान मधुर है। यदि अनुरक्त नारी को अनुरक्त पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई तो वो दोष विष के समान भयंकर होता है। आप मेरा स्पर्श ना करें, मेरे चरित्र को उत्तम और निष्कलंक समझें और अपने शास्त्र का निरंतर पालन करती रहें। आपने मेरे विषय में ये जानने की इच्छा की थी कि ये राजा जीवन मुक्त है भी या नहीं। ये सारा भाव आपके हृदय में प्रच्छन्न भाव से स्थित था, अतः इस समय आप मुझसे इसको छिपा नहीं सकते। यदि आप अपने कार्य से या दूसरे किसी राजा के कार्य से यहां वेश बदल कर आई तो अब आपके लिए यथार्थ बात को गुप्त रखना उचित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी राजा के पास या किसी ब्राह्मण के निकट अथवा स्त्री जनोचित पातिवृत्य गुण से संपन्न किसी सती साध्वी नारी के समीप छद्म वेश धारण करके न जाए, क्योंकि ये राजा ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री उस छद्म वेशधारी मनुष्य के धोखा देने पर उस पर कुपित हो उसका विनाश कर देते हैं। राजाओं का बल ऐश्वर्य है, वेदज्ञ ब्राह्मणों का बल वेद है तथा स्त्रियों का परम उत्तम बल रूप यौवन और सौभाग्य है। ये इन्हीं बलों से बलवान होते हैं। अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि चाहने वाले पुरुष को इनके पास सरल भाव से जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल भाव विनाश का कारण बन जाता है। अतः सन्यासिनी, आपको अपनी जाति, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, स्वभाव एवं यहां आगमन का प्रयोजन भी यथार्थ रूप से बताना उचित है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक ने
इन दुख जनक अयोग्य और असंगत वचनों द्वारा उसका बड़ा तिरस्कार किया, तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई। जब राजा की बात समाप्त हो गई, तब परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया। सुलभा बोली, राजन, वाणी और बुद्धि को दूषित करने वाले जो नौ नौ दोष हैं, उनसे रहित 18 गुणों से संपन्न और युक्ति संगत अर्थ से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में सौक्षम्य, सांख्य, क्रम, निर्णय और प्रयोजन, ये 5 प्रकार के अर्थ रहने चाहिए। ये जो सौक्षम्य आदि अर्थ हैं, ये पद, वाक्य, पदार्थ और वाक्यार्थ रूप से खोलकर बताए जा रहे हैं। आप इनमें से एक एक का अलग अलग लक्षण सुनिए। जहां अनेक भिन्न भिन्न ज्ञेय उपस्थित हों और ये घट है, ये पट है, इस प्रकार वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान होता हो, ऐसे स्थलों में यथार्थ निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, उसी का नाम सौक्ष्म है। जहां किसी विशेष अर्थ को अभीष्ट मानकर उसके दोषों और गुणों की विभाग पूर्वक गणना की जाती है, उस अर्थ को संख्या अथवा सांख्य समझना चाहिए। परिगणित गुणों और दोषों में से अमुक गुण या दोष पहले कहना चाहिए और अमुक को पीछे कहना अभीष्ट है। इस प्रकार जो पूर्वापर के क्रम का विचार होता है, उसका नाम क्रम है, और जिस वाक्य में ऐसा क्रम हो, उस वाक्य को वाक्यवेत्ता विद्वान क्रमयुक्त कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में किसी एक का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करके प्रवचन के अंत में यही वो अभीष्ट विषय है, ऐसा कहकर जो सिद्धांत स्थिर किया जाता है, उसी का नाम निर्णय है। नरेश्वर, इच्छा अथवा द्वेष से उत्पन्न हुए दुखों द्वारा जहां किसी एक प्रकार के दुख की प्रधानता हो जाए, वहां जो वृत्ति उदय होती है, उसी को प्रयोजन कहते हैं। जनेश्वर, जिस वाक्य में पूर्वोक्त सौक्ष्म आदि गुण एक अर्थ में सम्मिलित हों, मेरे वैसे ही वाक्य को आप श्रवण करें। मैं ऐसा वाक्य बोलूंगी जो सार्थक होगा, उसमें अर्थ भेद नहीं होगा, वो न्याय युक्त होगा, उसमें आवश्यकता से अधिक कर्ण कटु एवं संदेह जनक पद नहीं होंगे। इस प्रकार मैं परम उत्तम वाक्य बोलूंगी। मेरे इस वचन में गुरु एवं निष्ठुर अक्षरों का संयोग नहीं होगा, उसमें कोमलकांत सुकुमार पदावली होगी। वो परांगमुख व्यक्तियों के लिए सुखद नहीं होगा, वो न तो झूठ होगा, न धर्म, अर्थ और काम के विरुद्ध और संस्कार शून्य ही होगा। मेरे उस वाक्य में न्यून पदत्व नामक दोष नहीं रहेगा, कष्टकर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, उसका क्रम रहित उच्चारण नहीं होगा, उसमें दूसरे पदों के अध्याहार और लक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ये वाक्य निष्प्रयोजन और युक्ति शून्य भी नहीं होगा। मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्यता, लज्जा, दया तथा अभिमान से किसी तरह कोई बात नहीं बोलूंगी। नरेश्वर, बोलने की इच्छा होने पर जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल भाव से समस्थिति में आ जाते हैं, तब वक्ता का कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है। जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है, उस समय वो वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता है। और जो मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दूसरे के लिए कुछ कहता है, उस समय उसके प्रति श्रोता के हृदय में आशंका उत्पन्न होती है, अतः वो वाक्य भी दोष युक्त ही है। परंतु नरेश्वर, जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है, वही वास्तव में वक्ता है, दूसरा नहीं। अतः राजन, आप स्थिर चित्त एवं एकाग्र होकर ये वाक्य संपत्ति से युक्त सार्थक वचन सुनिए। महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि आप कौन हैं, किसकी हैं और कहां से आई हैं, अतः इसके उत्तर में मेरा ये कथन एक चित्त होकर सुनिए। राजन, जैसे काठ के साथ लाह और धूल के साथ पानी की बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार इस जगत में प्राणियों का जन्म कई तत्वों के मेल से होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये आत्मा से पृथक होने पर भी काष्ठ में सटे हुए लाह के समान आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इनमें स्वतंत्र कोई प्रेरणा शक्ति नहीं है, यही विद्वानों का निश्चय है। इनमें से एक एक इंद्रिय को न तो अपना ज्ञान है और न दूसरे का,
नेत्र अपने नेतृत्व को नहीं जानता, इसी प्रकार कान भी अपने विषय में कुछ नहीं जानता। इसी तरह ये इंद्रियां और विषय परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर भी नहीं जान सकते, जैसे कि जल और धूल परस्पर मिलकर भी अपने सम्मिश्रण को नहीं जानते। शरीरस्थ इंद्रियां विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करते समय अन्यान्य बाह्य गुणों की अपेक्षा रखती हैं। उन गुणों को आप मुझसे सुनिए। रूप, नेत्र और प्रकाश, ये तीन किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने में हेतु हैं। जैसे प्रत्यक्ष दर्शन में ये तीन हेतु हैं, उसी प्रकार अन्यान्य ज्ञान और ज्ञेय में भी तीन तीन हेतु जाननी चाहिए। ज्ञान और ज्ञातव्य विषयों के बीच में किसी ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता है, जिससे ये जीवात्मा किसी विषय में भले बुरे का निश्चय करने के लिए विचार करती है। वहीं एक और बारहवां गुण भी है, जिसका नाम है बुद्धि, जिससे किसी ज्ञातव्य विषय में संशय उत्पन्न होने पर मनुष्य एक निश्चय पर पहुंचता है। उस बारहवें गुण बुद्धि में सत्व नामक एक गुण है, जिससे महासत्व और अल्प सत्व प्राणी का अनुमान किया जाता है। उस सत्व में मैं करता हूं, ऐसे अभिमान से युक्त अहंकार नामक एक अन्य 14वां गुण है, जिससे जीवात्मा ये वस्तु मेरी है और ये वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानती है। राजन, उस अहंकार में वासना नामक एक गुण और माना गया है, जो 15वां गुण है। वहां पृथक पृथक कलाओं के समूह की जो समग्रता है, वो एक अन्य गुण है। वो संघात की भांति यहां 16वां कहा जाता है, जिसमें प्रकृति और व्यक्ति ये दो गुण आश्रित हैं। सुख और दुख, जरा और मृत्यु, लाभ और हानि तथा प्रिय और अप्रिय इत्यादि द्वंद्वों का जो योग है, ये 19वां गुण माना गया है। इस 19वें गुण से परे काल नामक दूसरा गुण और है, इसे 20वां गुण समझिए। इसी से प्राणियों की उत्पत्ति और लय होते हैं। इन 20 गुणों का समुदाय एवं 5 महाभूत तथा सद्भाव योग एवं असद्भाव योग, ये दो अन्य प्रकाशक गुण हैं। ये सब मिलकर 27 हैं। ये जो 20 और 7 गुण बताए गए हैं, इनके सिवा 3 गुण और हैं, विधि, शुक्र और बल। इस प्रकार गणना करने से 20 और 10 30 गुण होते हैं। ये सारे के सारे गुण जहां विद्यमान हैं, उसको शरीर कहा गया है। कोई कोई विद्वान अव्यक्त प्रकृति को इन 30 कलाओं का उपादान कारण मानते हैं, दूसरे स्थूलदर्शी विचारक व्यक्त अर्थात परमाणुओं को कारण मानते हैं, तथा कोई कोई अव्यक्त और व्यक्त को अर्थात प्रकृति और परमाणु, इन दोनों को उनका उपादान कारण समझते हैं। अव्यक्त हो, व्यक्त हो, दोनों हो अथवा चारों कारण हो, अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान प्रकृति को ही संपूर्ण भूतों का उपादान कारण समझते हैं। राजेंद्र, ये जो अव्यक्त प्रकृति सबका उपादान कारण है, यही पूर्वोक्त 30 कलाओं के रूप में व्यक्त भाव को प्राप्त हुई है। मैं, आप तथा जो अन्य शरीरधारी हैं, उन सबके शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। प्राणियों की वीर्य स्थापना से लेकर रजो वीर्य संयोग संभूत कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, जिनके सम्मिश्रण से ही कलल नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है। कलल से बुद्बुद की उत्पत्ति होती है। बुद्बुद से मांसपेशी का प्रादुर्भाव माना गया है। पेशी से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और अंगों से रोमावलियां तथा नख प्रकट होते हैं। मिथिला नरेश, गर्भ में 9 मास पूर्ण हो जाने पर जीव जन्म ग्रहण करता है। उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है तथा वो विशेष प्रकार के चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष समझा जाता है। जिस समय बालक का जन्म होता है, उस समय उसका जो रूप देखने में आता है, उसके नख और अंगुलियां तांबे के समान लाल लाल होती हैं। फिर जब वो कुमारावस्था को प्राप्त होता है, तो उस समय उसका पहले का वो रूप नहीं उपलब्ध होता है। इसी प्रकार कुमारावस्था से जवानी को और जवानी से बुढ़ापे को वो प्राप्त होता है। इस क्रम से उत्तरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पूर्व पूर्व अवस्था का रूप नहीं देखने में आता है। सभी प्राणियों में विभिन्न प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो पूर्वोक्त कलाएं हैं, उनके स्वरूप में प्रतिक्षण भेद या परिवर्तन हो रहा है, परंतु वो इतना सूक्ष्म है कि जान नहीं पड़ता। राजन, प्रत्येक अवस्था में इन कलाओं का लय और उद्भव होता रहता है, किंतु दिखाई नहीं देता है।
ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ क्षण क्षण में सिमटती और उत्पन्न होती रहती है पर दिखाई नहीं देती। जैसे दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गति से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता, उसी प्रकार ये प्रभावशाली लोक निरंतर वेग पूर्वक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। अतः उसके विषय में ये प्रश्न नहीं बन सकता कि कौन कहां से आता है और कौन कहां से नहीं आता है, ये किसका है अथवा किसका नहीं है, किससे उत्पन्न हुआ है और किससे नहीं हुआ है। प्राणियों का अपने अंगों के साथ भी यहां क्या संबंध है, अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर सूर्य कांत मणि से आग प्रकट हो जाती है, परस्पर रगड़ खाने पर काठ से अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त कलाओं के समुदाय से जीव जन्म ग्रहण करते हैं। जैसे आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही में आत्मा का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरों में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते और किसकी है। मिथिला नरेश, ये मुझे प्राप्त हो जाए ये ना हो इत्यादि रूप से जो द्वंद विषयक चिंता प्राप्त होती है, उससे यदि आप मुक्त हैं तो आप कौन हैं, किसकी हैं अथवा कहां से आई हैं, इन वचनों द्वारा प्रश्न करने से आपका क्या प्रयोजन है। शत्रु मित्र और मध्यस्थ के विषय में विजय संधि और विग्रह के अवसरों पर जिस भूपाल ने यथोचित कार्य किए हैं उसमें जीवन मुक्त का क्या लक्षण है। प्रिय अथवा अप्रिय में, दुर्बल अथवा बलवान में जिसकी समदृष्टि नहीं है उसमें मुक्त का क्या लक्षण है। नरेश्वर, वास्तव में आप योग युक्त नहीं हैं, तथापि आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है वो आपके सुहृदों को दूर कर देना चाहिए, अर्थात ये नहीं मानना चाहिए कि आप जीवन मुक्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपथ्यशील रोगी को दवा देना बंद कर दिया जाता है। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज नाना प्रकार के जो जो पदार्थ हैं उन सबको आसक्ति के स्थान समझकर अपने द्वारा अपने ही में अपने को देखें, इसके सिवा मुक्त का और क्या लक्षण हो सकता है। राजन, अपने मोक्ष का आश्रय लेकर भी ये और दूसरे जो कुछ चार अंगों में प्रवृत्त आसक्ति के जो सूक्ष्म स्थान हैं उनको भी अपना रखा है, उन्हें बताती हूं, आप मुझसे सुने। जो इस सारी पृथ्वी का एक छत्र शासन करता है वो एक ही सार्वभौम नरेश भी एकमात्र नगर में ही निवास करता है। उस नगर में भी उसके लिए एक ही महल होता है जिसमें वो निवास करता है। उस महल में भी उसके लिए एक ही शैया होती है जिस पर वो रात में सोता है। उस शैया के भी आधे भाग पर राजा की स्त्री का अधिकार होता है, अतः इस प्रसंग से वो बहुत अल्प फल का ही भागी होता है। इसी प्रकार उपभोग भोजन आच्छादन तथा अन्यान्य परिमित विषयों के सेवन में और दुष्टों के दमन एवं शिष्ट पुरुषों के प्रति अनुग्रह के विषय में भी राजा सदा ही परतंत्र है। इसी प्रकार वो बहुत थोड़े कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं है तो भी उनमें आसक्त रहता है। संधि और विग्रह करने में भी राजा को कहां स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्त्री सहवास क्रीड़ा और विहार में भी उसे सदा परतंत्रता रहती है। मंत्रियों की सभा में बैठकर मंत्रणा करते समय भी उसे कहां स्वतंत्रता रहती है। यथार्थ मोक्ष।